का हुजूर मैं एक बात करना चाहता हूँ, क्या का ये बताइए, आजादी यहाँ की है या कब्र और हशर की? कि क्या तुझे भी ईमान नहीं? तो फौरन हाथ जोड़े, भला ईमान है, इत्मीनान नहीं है, भला ईमान है, भला किल्ले जतमिन कलबी, इत्मीनान। अच्छा इत्मीनान चाहते हो, फको जरवा तुम मैंने तैयार चार परिंदे पकड़ के ले आया हूँ यार, अब जिबा करके देख लूं कि तू किस तरह जिंदा करता है। कहा नहीं, जिबा नहीं करना, क्या करना है? फसुर हुन्ना इलेका, इससे बड़ी जमानत मेरे पास कोई नहीं। यह अल्लाह की मुकद्दस किताब है, इससे बड़ी जमानत नहीं है। हाथ रख के कहता हूं, ले जाइए मेरा क्वेश्चन मेरे मुखालिफिन के पास, गलत साबित कर दे, एक कॉल कीजिएगा, ना हूं तो सैयद ज्यादा नहीं। हम गोलियां नहीं चलाते, हम रसूल के नाम का चर्चा करते हैं। ये गोली से भी भारी है उनके लिए। अब गौर से मेरी बात को सुनिएगा, हम जबर की दुनिया में नहीं रहते, हम मोहब्बतों की दुनिया में रहने वाले हैं। हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान से इस्तदलाल करते हैं, जिसको पसंद आता है हमारे साथ मिल जाता है, जिसको कुरान हिदायत नहीं दे सकता मैं क्या करूंगा। अब गौर से मेरी बात को सुनिएगा, मैं अपनी बात को करीब ले चलूं, भला किल्ले यत्मईन्ना कल्बी, इत्मीनान नहीं है। चार परिंदे पकड़ लो, पकड़ लिए, जिस बात पे मैंने कुरान उठाया, फसुरहुन्ना इलैका, इसका तर्जमा कर। मौलाना अशरफ अली थानवी से पूछ, मौलाना फतेह मोहम्मद जालिंदरी से पूछ, आजकल अहले हदीस का तर्जमा भी आ गया अकलौता 1400 साल के बाद, उसको भी उठा के पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या कुछ गुल खिलाए उन्होंने, ये तो किसी वक्त मैदान लग ही जाएगा ना। अब जरा गौर से बात को सुनिएगा, फसुरहुन्ना इलैका, पर इसका तर्जमा क्या? कहा मानूस हो जाए तेरी तरफ, उतने दिन जिबा नहीं करना, इनको दर पे पड़ा रहने दे, ये तेरे दर पे पड़े रहे, मानूस हो जाए। इलैका इलैका इलैकुमा इलैकुम इलैया इलैना, ये सारे अगर वो पढ़ने शुरू करूं तो फिर बात लंबी हो जाएगी ना, और मेरी कोताहियां नालायकियां खुल के सामने आ जाएंगी, आप तो माशाल्लाह समझ ही लेंगे। अब और कीजिए, फसुरहुन्ना इलैका, मानूस हो जाए तेरी तरफ, कैसे? दर पे पड़ा रहने दे, तुझे आते हुए भी देखा करें, तुझे जाते हुए तू खिलाए तो वो खाया करें, तू पिलाए तो वो पिया करें। जब उनके दिल में मोहब्बत रसूल पैदा हो जाए, अगली बात बाद में करेंगे। अल्लाह ने कहा मैंने जिंदा करके तो दिखाना ही है ना, क्यों ना उसको जिंदा करके दिखाऊं जो निस्बत वाला हो, जिसके मन में मोहब्बत रसूल की शमा चल रही हो, ताकि दुनिया को पता चले कि मरते तो सब हैं, लेकिन रसूल की मोहब्बत में सरशार होके जो मरते हैं उनका मकाम क्या होता है। कहा जब मानूस हो जाए तो फिर जिबा करना, जिबा करके या अल्लाह फिर क्या करूं। अब एक और मजे वाली बात है, ये इसकी पूरी डेफिनेशन में नहीं जा सकूंगा, कुरान पाक में उनको जिबा करने का जिक्र नहीं है। पकड़ लो, अपने दर पे रख लो, मानूस हो जाए तेरी तरफ, फिर पहाड़ों की चोटियों पे रख दो, दरमियान में ज़िबाह करने का तज़करा कुरान में नहीं है। शायद उसकी मोहब्बत पसंद नहीं करती, जो यार से मोहब्बत करे उसे मार दूं। और दूसरा इसमें पहलू ये निकलता है कि अल्लाह ताला बात करते करते छोड़ देता है, आगे बात करता है, दरमियान में बात कौन पूरी करेगा? सैयदा ज़हरा का बाबा पूरी करेगा ना, हदीसे पाक में आएगी ना बात। तो मुझे कहने दीजिए कि कुरान के सफात पर कभी खुदा बोलता है, कभी मदीने में मुस्तफा बोलता है। बात को लेके चलते हैं आगे। अब वो परिंदे ज़िबा हो गए, उनके सर वहीं रख लिए, उनके सर वहीं रख लिए, और बाकी अजसाम का कीमा बना के
हाथों में लेकर यूं मिला दिया, अब उनमें कोई अलहदा तफरीक न रह गई। कहा चार ढेरियां बना के तुम मजाल अला कुल्ले जबल मिनहुन्ना जुज़अन, चार पहाड़ की चोटियों पे रख दो और सुम्मदुहुन्ना, फिर उनको पुकारो, फिर उनको पुकारो। अल्लाह के नबी ने क्यों नहीं अर्ज किया, अल्लाह मुर्दे तो सुनते नहीं। मैं नहीं बात करता, मुर्दे तो सुनते नहीं, या अल्लाह अब मैं मुर्दों को आवाज दूं। नबी ने एतराज किया, ये पुराने पाक हाथ में है मौलाना, झगड़े खत्म कर आ, इत्तेहाद करते हैं इस पे। किसी दिन तो मिंबरे रसूल पे बैठ के सच बोल दे, किसी दिन तो इंसाफ का तराजू हाथ में पकड़, अदल का खून न कर, बता दुनिया को। अल्लाह के नबी ने एतराज किया कि या अल्लाह मुर्दों को क्यों पुकारूं, मुर्दे तो सुनते नहीं। तो मुर्दों की समात पर नबी एतराज नहीं करता, तू कौन होता है एतराज करने वाला। अल्लाह के नबी ने पुकारा, गौर कीजिए, अल्लाह के नबी ने पुकारा, जब पुकारा वो अज्जा मुंतशिर हो गए, अज्जाम बन गए, भागते हुए, उड़ते हुए नहीं, भागते हुए नबी के पास आए। सर यहाँ थे या आंखें यहाँ थी, कान यहाँ थे, उनके सिर्फ जिस्म भागते हुए आए, न रास्ते में पत्थर के साथ टकराए, न किसी झाड़ी में जाके अटके। बिन आंखों के परिंदे देख लेते हैं, हजवेर का दाता आंखों का मोहताज है, अजमेर का ख्वाजा आंखों का मोहताज है, बगदाद वाला पीर आंखों का मोहताज है, नजफ वाले मुर्शिद, करबला वाले मुर्शिद, बदर वाले मुर्शिद, उहद वाले मुर्शिद, और चल मदीने वाले मुर्शिद के दर पे। ये तू है जो आंखों का मोहताज है, वो मदीने वाला है जो किसी का मोहताज नहीं। और अगर मैं तेरे घर में साबित कर दूं कि तू भी कभी जुबान का मोहताज नहीं था, तू भी कभी कानों का मोहताज नहीं था, जब अल्लाह ने तुझे बुलाया था और पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, तूने सुना था, कान थे, कालू बला कहकर जवाब दिया था, जुबान थी। तो ये तो अल्लाह ताला ने तुझे पहले स्टडी करवा दिया था, पहले रिसर्च करवा दी थी कि अकल के अंधे, मैं तुझे अगर कानों के बगैर सुनने की ताकत दे सकता हूँ, जुबान के बगैर बोलने की ताकत दे सकता हूँ, तो दुनिया में जाके मेरे बलियों पे भौंकते मत रहना। अब आइए, ये जुमला तेज हो गया, मेरा दिल दुखा कि नहीं कहना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, कहीं कहीं वो जब का दामन हाथ से छूट जाता है। अब आइए चलते हैं, वो परिंदे भागते हुए आपके पास आ गए, अपने सरों से मिल गए, उन्होंने अपने सरों को पहचाना कैसे, अपने अपने सरों से मिल गए, कोई भी इधर उधर नहीं हुआ, साबित कर दीजिए मैं नौकरी करूंगा सारी जिंदगी, साबित ना कर सको तो परिंदे मरने के बाद लौट के आते हैं, उनमें इतनी पहचान है, मदीने वाला क्यामत वाले दिन अपनों को पहचान ही नहीं सकेगा। आइए चलते हैं, नबी को इत्मीनान नहीं था, देख के इत्मीनान कर लिया, और इधर मदीने में 63 साल बीत गए, पेशानी पे शिकन नहीं आई, बेइत्मीनानी का कोई तजस्सुस नहीं हुआ, कोई सवाल नहीं हुआ, इतना मुतमैन है नबी। अब मैं देखता हूँ कि अब इस दर के खुदाम जितने भी बैठे हैं वो मेरी बात को कितना समझते हैं, उलमा हैं, दानिश्वर हैं, आज आपको देखकर बहुत खुशी हो रही। अब गौर कीजिएगा, मैं तो चटाई पे बैठने वाला आदमी, गौर से मेरी बात को सुनिएगा, इधर इत्मीनान के लिए डिमांड की जाती है और मेरा नबी 63 बरस बीत गए, इतना मुतमैन के खुदा को कहना पड़ा या तो नफ्सुल मुतमईना